आज हम बिना लहसुन, बिना अदरक, बिना प्याज, बिना टमाटो के सब्जी बनाएंगे। और ये सब्जी हम सिर्फ आलू से बनाने वाले हैं। और इसके साथ साथ हम बनाएंगे आलू की कचौड़ी। आलू की कचौड़ी एकदम खस्ता और एकदम टेस्टी बनाकर तैयार करेंगे। आप भी ऐसे ज़रूर बनाएगा, एकदम गर्मा गर्म। इतना आसान तरीका तो आपने कहीं देखा ही नहीं होगा आलू की सब्जी और कचौड़ी बनाने का। तो चलिए बातें ना करते हुए हम बनाना स्टार्ट करते हैं। हेलो जी, कैसे हैं आप सब? मैं आशा रखती हूँ कि आप सब अच्छे होंगे, मस्त होंगे, स्वस्थ होंगे और घर पर होंगे। तो आज मैं आप लोगों के लिए बहुत ही यमी सी रेसिपी लाई हूँ। आप एक बार इस रेसिपी को मेरे तरीके से ट्राई करिएगा, आपको बहुत ही ज़्यादा पसंद आएगी। बहुत ही कम इंग्रेडिएंट्स के साथ बनती है, बहुत ही जल्दी बनकर तैयार हो जाती है और मिनटों में आप इसे बनाकर खा सकते हैं। टेस्टी होने के साथ साथ बनाना भी बहुत आसान होता है। आप एक बार मेरे तरीके से बनाइएगा, आपको वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करना ना भूलिएगा। प्लीज वीडियो को लाइक कर दीजिए। चैनल पे पहली बार आए हैं तो चैनल को भी साथ में सब्सक्राइब कर लीजिए। प्लीज आप सभी के सपोर्ट को हमें बहुत ज्यादा जरूरत है, तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और आपने इंस्टाग्राम को भी फॉलो कर लीजिए अगर अभी तक नहीं किया है, तो लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे रखा है। आलू की सब्जी बनाने के लिए मैंने यहाँ पे 3 बड़े साइज की आलू बॉईल करके मैश करके ले लिया है। और आलू की सब्जी के साथ आप एक बार इस तरीके से, मेरे तरीके से इस पूड़ी को या फिर कचौड़ी भी आप बोल सकते हैं, बनाकर ट्राई करिएगा, आपको बहुत ही ज़्यादा पसंद आएगी। मैंने यहाँ पे 1 कप छाना हुआ मैदा ले रखा है। आप चाहें तो गेहूं के आटे से भी बना सकते हैं, बट मैदे से बहुत ही ज़्यादा खस्ता और बहुत ही ज़्यादा टेस्टी बनती है। इसमें हम डालेंगे 1/2 टीस्पून नमक, नमक टेस्ट के अकॉर्डिंग, 1/2 टीस्पून अजवाइन क्रश करके डालेंगे, ये डाइजेशन के लिए काफ़ी अच्छी होगी। और इसमें हम डालेंगे 1/2 टीस्पून मगरैल, जिसे कलौंजी कहते हैं। बहुत ज़्यादा नहीं, हमें बस इतना ही डालना है। हम इसमें डालेंगे मोयन, मोयन मैं देसी घी का डाल रही हूँ, और 2 चम्मच हम डालेंगे, आप चाहें तो रिफाइंड ऑयल से भी मोयन कर सकते हैं, इससे बहुत ही ज़्यादा खस्ता हमारी पूड़ी बनकर तैयार होगी। सारे मोयन को अच्छी तरीके से हम मिक्स करेंगे। मोयन को मैंने अच्छी तरीके से मिक्स कर लिया है और अब हम डालेंगे थोड़ा थोड़ा करके पानी और अच्छा सा एक डो तैयार करेंगे। डो हमारा लगकर तैयार है, इसे कवर करके हम रख देते हैं साइड में और हम फटाफट से सब्जी की तैयारी। और अब हम इसमें डालेंगे, देखिए, 1 चम्मच काली मिर्च और 1/2 चम्मच के करीब हम इसमें डालेंगे लौंग और इसे कूट लेंगे। दरदरा कूटना है आपको, फाइन नहीं कूटना है। इस तरीके से हम कूट कर इसे तैयार करेंगे सब्जी बनाने के लिए। कढ़ाई को मैंने गर्म होने के लिए चढ़ा दिया है और 2 चम्मच मैंने यहाँ पे रिफाइंड ऑयल गर्म कर लिया है। आप चाहें तो सरसों के तेल से भी सब्जी को बना सकते हैं। इसमें हम डालेंगे 1/2 टीस्पून जीरा और साथ में हम डालेंगे ये कुटी हुई काली मिर्च और लौंग। फ्लेम को हम मीडियम कर देंगे और 1/2 टीस्पून डालना है हमें इसमें सौंफ और साथ में हम डाल देंगे 1 रफली चॉप की हुई हरी मिर्च और साथ में 3-4 तेज पत्ता और थोड़ी देर हम इनको पका लेंगे। थोड़ा सा हम इसमें डालेंगे राई, मिर्ची वगैरह, देखिए अच्छी तरीके से पक चुके हैं, कलर चेंज हो गया है। इसमें हम डालेंगे अब सबसे मेन इंग्रेडिएंट्स, वो है 1 चम्मच बेसन। जी हाँ, सही सुन रहे हैं, 1 चम्मच बेसन डालेंगे और फ्लेम धीमी करते हुए अच्छी तरीके से बेसन को भून लेंगे। इसमें एकदम थिक थिक हमारी ग्रेवी गाढ़ी गाढ़ी बनकर तैयार होगी सब्जी की। और क्योंकि हम बेसन इसलिए डाल रहे हैं, हम इसमें प्याज और टमाटो, अदरक, लहसुन कुछ भी नहीं डाल रहे हैं, इसलिए बेसन में डाल रही हूँ। ये बिल्कुल ऑप्शनल है, आप चाहें तो डाल सकते हैं वरना स्किप कर दीजिएगा। 1/2 टीस्पून इसमें डालेंगे हल्दी पाउडर, बहुत ज़्यादा नहीं डालना है, और हल्दी पाउडर को अच्छी तरीके से मिक्स करेंगे। इसमें थोड़ा सा हम डालेंगे इसमें पानी, वरना मसाले हमारे जल सकते हैं, बहुत थोड़ा सा डालना है, बस इतना ही डालेंगे, इससे हमारे मसाले और बेसन जलेगा नहीं। पकने देते हैं थोड़ी देर और फटाफट से हम डाल देंगे इसमें अपने आलू को, और आलू को मसाले के साथ थोड़ा सा हम मिक्स करेंगे और उसके बाद हमें डालना है पानी। आप भी इस तरीके से सब्जी बनाकर देखिएगा, बहुत पसंद आएगी आपको ये सब्जी। आलू अच्छी तरीके से भून चुका है और अब हमें डालना है इसमें पानी। आप सोच रहे होंगे मसाले अभी नहीं डाला है, अभी हम मसाले बाद में डालेंगे, आप थिकनेस अपने हिसाब से रख सकते हैं इसकी। और अच्छी तरीके से मिक्स कर देंगे। आलू मैंने अच्छी तरीके से
ये देखिए तोड़ रखा है, एकदम मैश करके डालना है। कहीं कहीं पे चंक्स होने चाहिए आलू के। इसी तरीके से ये सब्जी बहुत ही ज़्यादा टेस्टी लगती है और एकदम धीमी आंच में हम इसे पकने देंगे, एकदम थिक कंसिस्टेंसी आने देंगे। सब्जी में हम डालेंगे 1 चम्मच आमचूर पाउडर और 1 चम्मच डालेंगे धनिया पाउडर, थोड़ा सा डालेंगे कश्मीरी लाल मिर्च पाउडर। कश्मीरी लाल मिर्च पाउडर से कलर बहुत ही ज़्यादा अच्छा आ जाएगा। आप चाहें तो मसाले भूनते टाइम ही डाल सकते हैं। जब मैंने हल्दी डाला था और धनिया को मैंने अच्छी तरीके से पीसा नहीं है, धनिया पाउडर को बस अच्छे से कूट लिया है। मसाले हम मिक्स कर देंगे और इसके अलावा हमें डालना है गरम मसाला, वो हम अभी नहीं डालेंगे, बाद में डालेंगे। सब्जी में देखिए कितना अच्छा उबाल आ रहा है। इसमें हम डालेंगे नमक। नमक आप अपनी टेस्ट के अकॉर्डिंग रखें। मैंने सब्जी में हींग अभी नहीं डाला है और हींग थोड़ा सा हम ज़्यादा ही लेंगे। ये देखिए मैंने 1/2 टीस्पून हींग ले रखा है और हींग को हम पानी में मिक्स कर लेते हैं। सब्जी में हम डालेंगे हींग वाला पानी। आप इस तरीके से एक बार बना कर देखिएगा, बहुत ही टेस्टी लगेगी आपको सब्जी। और सारा हींग वाला पानी डालने के बाद अच्छी तरीके से हम मिक्स करेंगे और इसमें डाल देंगे अब गरम मसाला। सब्जी हमारी करीब करीब पक चुकी है। सब्जी का कलर देखिए कितना ज़्यादा प्यारा है, बिना लहसुन बिना अदरक बिना टमाटर के बिना प्याज के। और अब हम इसमें डाल देंगे 1 चम्मच कसूरी मेथी और कसूरी मेथी को अच्छी तरीके से मिक्स करने के बाद फ्लेम को हम फटाफट से ऑफ कर देंगे, बंद कर देंगे। सब्जी को मैंने 16 से 17 मिनट पका लिया है अच्छी तरीके से और देखिए इसका टेक्सचर कितना अच्छा है। ये देखिए कितनी थिक ग्रेवी वाली हमारी सब्जी बनकर तैयार है। चलते हैं हम आगे के प्रोसेस की तरफ। मैंने ये दूसरी कढ़ाई में 1 छोटा चम्मच रिफाइंड ऑयल गरम कर लिया है और अब हम इसमें बनाएंगे अपनी स्टफिंग को। इसमें डालेंगे 1/2 टीस्पून जीरा, 1/2 टीस्पून सौंफ, 1 पिंच हींग। सारी चीज़ें हम थोड़ी देर के लिए पका लेंगे और बस थोड़ा सा पकाने के बाद हमें इसमें डालना है अपने बॉईल मैश किए हुए आलू। आलू को अच्छी तरीके से हम मिक्स करेंगे, फ्लेम एकदम धीमी रखेंगे। आलू को मैंने अच्छी तरीके से मिक्स कर लिया है और अब हम इसमें डालेंगे 1 चम्मच धनिया पाउडर, 1/2 टीस्पून हल्दी पाउडर। बहुत ज़्यादा हल्दी नहीं डालनी है, बस थोड़ा सा ही डालना है। 1 बड़ा चम्मच हम डालेंगे इसमें आमचूर पाउडर और मैंने वही क्रश की हुई धनिया आलू की स्टफिंग में भी डाला है और थोड़ा सा डालेंगे नमक। नमक आपको ध्यान से डालना है क्योंकि हमने सब्जी में भी डाला है और डो में भी डाला है। सारे मसालों को हम अच्छी तरीके से मिक्स कर लेंगे आलू के साथ। इसमें हम डालेंगे थोड़ा सा तीखी लाल मिर्च पाउडर, तीखा आप अपनी टेस्ट के अकॉर्डिंग डालिएगा, और साथ में डाल देंगे थोड़ा सा कसूरी मेथी। मेरे पास हरी धनिया नहीं है, मैं नहीं डाली हूँ। अगर आपके पास हरी धनिया होगी तो आप ज़रूर डालिएगा स्टफिंग में भी और सब्जी में भी। अच्छी तरीके से मिक्स करने के बाद हम फटाफट से फ्लेम को ऑफ करके सारी स्टफिंग को निकाल लेंगे एक प्लेट में। स्टफिंग को मैंने एक प्लेट में फैला दिया है ताकि जल्दी से ठंडी हो जाए और अब हम इसके बॉल बनाएंगे छोटे छोटे, बहुत ज़्यादा बड़े नहीं बनाने हैं। इस तरीके से देखिए छोटे छोटे बॉल हमें बनाना है। एक बार में जितने बॉल बन जाते हैं सारे बॉल को हम बना के एक प्लेट में रख लेते हैं। सारे बॉल्स मैंने बना लिए हैं आलू के, इसे रखते हैं हम साइड में और थोड़ा थोड़ा सा हम लेंगे अपने डो को इस तरीके से और हमें एक प्याली का सेप देना है। इसे इस तरीके से फैलाना है, एक प्याली का सेप इस तरीके से हमें देना है और बॉल्स को हम रखेंगे इसमें और ऐसे हमें बढ़ाना है और बढ़ाते हुए हमें अंदर इसे बंद कर देना है। ये देखिए, आप चाहें तो एक्स्ट्रा आटा निकालें वरना इसी में रहने दीजिए। ऐसे हम हटा देंगे एक्स्ट्रा आटा और बस इसके मुंह को बंद करते हुए थोड़ा सा ऐसे हमें चपटा करना है। ये देखिए, और हमारी कचौड़ी बनकर अच्छी तरीके से तैयार है। आप देखिए, आप चाहें तो इसे बेल भी सकते हैं चॉपिंग बोर्ड पर रख के थोड़ा सा, बट हम इसे थोड़ा सा ऐसे दबा देंगे और कुछ नहीं करेंगे, बेलना हमें नहीं है। ये देखिए इस तरीके से हमें बनाना है।
अपनी सारी पूड़ी को आप कचौड़ी पूड़ी आलू की कुछ भी बोल सकते हैं। इसी तरीके से हम सभी अपने बनाकर तैयार कर लेंगे। सारी कचौड़ी हमारी बनकर तैयार है, चलिए हम इन्हें डीप फ्राई करते हैं। कढ़ाई में मैंने रिफाइंड ऑयल गर्म होने के लिए चढ़ा दिया है और फ्लेम को मैंने एकदम स्लो कर दिया है और स्लो फ्लेम में हम एक एक अपनी कचौड़ी को डाल देंगे। ये देखिए कितने आराम आराम से बबल्स आ रहे हैं, बिल्कुल इसी तरीके से हम डाल देते हैं एक बार में जितने आ जाएंगे। और हमें छेड़ना बिल्कुल भी नहीं है, इन्हें टच नहीं करना है, ये अपने आप से अभी ऊपर आएंगे। अगर आप हाई फ्लेम में इन्हें तलेंगे तो ये बहुत ही ज़्यादा तेल अपने अंदर अब्जॉर्ब कर लेंगे, इसलिए आपको एकदम धीमी आंच में इन्हें पकाना है। ये देखिए इस तरीके से फूल के ऊपर आ जानी चाहिए और अब हम इसे पलट देंगे दूसरी साइड होने के लिए। और अगर ये फूलेगी नहीं तो ये तेल अपने अंदर एब्जॉर्ब कर लेगी, इस बात का भी ध्यान रखना है हमें। पलट देंगे और दोनों ही साइड बहुत ही अच्छा एकदम क्रिस्पी खस्ता होने तक हम पकाएंगे। कचौड़ी में देखिए कितना अच्छा कलर आ गया है, मैं आपको दोनों साइड दिखा रही हूँ उलट पलट के। ये देखिए कितनी अच्छी तरीके से कचौड़ी हमारी पक चुकी है दोनों ही साइड से। और अब हम इसे निकाल लेते हैं बाहर और सेम तरीके से अपनी सारी कचौड़ी को बनाकर तैयार करेंगे। ये हमारी कचौड़ी बनकर तैयार है, ये देखिए कितनी फूली फूली और कितनी ज़्यादा खस्ता बनी है, आप देख लीजिए दोनों ही साइड से, ये देखिए आप। और सब्जी भी हमारी साथ में बनकर तैयार है, आप भी ऐसे ज़रूर बनाइएगा। ये देखिए सब्जी हमारी आलू की, ये देखिए बिना लहसुन बिना प्याज बिना अदरक टमाटो के बहुत ही अच्छी हमारी सब्जी बनकर तैयार है। और अब हम इसे सर्व करेंगे। इसका कॉम्बिनेशन बहुत ही अच्छा लगता है, आप एक बार इस तरीके से बना कर देखिएगा, आपको बहुत ही ज़्यादा पसंद आएगा। ये देखिए आपको ऐसे रखना है आलू की सब्ज़ी और रखनी है आपको ये कचौड़ी। ये देखिए एकदम गर्मा गर्म फूली फूली कचौड़ी, ऐसे अगर खाने को मिल जाए तो खा के तो मज़ा ही आ जाता है। ये देखिए मैं आपको तोड़ के दिखाती हूँ, ये देखिए कितनी ज़्यादा खस्ता है हमारी कचौड़ियाँ, आप भी ऐसे ज़रूर बनाइएगा। ये देखिए और खाने में तो बहुत ही ज़्यादा टेस्टी लगती है। ये देखिए आलू की स्टफिंग भी इसमें कितनी अच्छी तरीके से मैंने भर रखा है, आप ऐसे बनाइएगा। और वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, चैनल पे पहली बार आए हैं तो चैनल को भी साथ में सब्सक्राइब कर लीजिए। तो मिलती हूं मैं आपसे अगले वीडियो के साथ, तब तक आप मुस्कुराते रहिए और ऐसी ही मज़ेदार सी रेसिपी बनाकर खाते रहिए। बाय बाय मेरी यूट्यूब फैमिली।